नमस्कार, केपीनू चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ राजा रैदास और आप देख रहे हैं केपीनू लाइव 24 आवाज जनता की ब्रेकिंग न्यूज। ग्राम पंचायत चंदौली कार्यपालिका यंत्री हिमांशु तिवारी ने किया अशोक निरीक्षण। जी हाँ, आपको बता दें कि कोरोना महामारी के संकट में एक और जहां बड़े शहरों में रोजगार का संकट है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के माध्यम से लोगों को रोजगार मिल रहा है। ग्रामीण जनों को अपनी आजीविका के लिए भटकना नहीं पड़ रहा है, उन्हें अपने गांव में ही काम के अवसर मिल रहे हैं। गांव में स्थायी परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है, जहां भविष्य में ग्रामीण क्षेत्रों में विकास का मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। सीधी जिले के कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी के मार्गदर्शन में कार्यपालन यांत्रिक ग्रामीण यांत्रिक सेवा हिमांशु तिवारी की देखरेख में सभी ग्राम पंचायतों में अधिक से अधिक श्रमिक मूलक कार्यों को प्रारंभ किया जा रहा है, जिससे अधिक से अधिक श्रमिकों को रोजगार प्राप्त हो सकेगा। वहीं आज मझौली जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत चंदौली में हिमांशु तिवारी ने औचक निरीक्षण करने पहुंचे, जहां पंचायत में तालाब का निर्माण मजदूरों के द्वारा कराया जा रहा था, जिसमें श्री तिवारी द्वारा खुशी जाहिर की है और श्री तिवारी द्वारा पंचायत प्रतिनिधि एवं मजदूरों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने का भी निर्देश दिया गया है। निरीक्षण के दौरान SGO AK द्विवेदी, इंद्रलाल सिंह इंजीनियर, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी प्रदीप कुमार मंडले, प्रधानमंत्री आवास ब्लॉक उप सरपंच रोहिणी रमन मिश्रा, रोजगार सहायक कनक द्विवेदी उपस्थित रहे। सीधी से रोहिणी रमन मिश्रा की रिपोर्ट।